हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इट सेज रिलेशन बिटवीन प्रेशर पी एंड एनर्जी ऑफ द आइडियल गैसेस। क्वेश्चन में हमसे प्रेशर और एनर्जी का रिलेशन पूछा गया है आइडियल गैस के केस में। तो यहाँ की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। सो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पे P क्या है, प्रेशर, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, सो लेट्स से पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स के लिए पी वी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन जो है एनर्जी की, एनर्जी थ्री डायमेंशन में क्या होती है, थ्री बाई टू आर टी, राइट। सो यहाँ पे ये है थ्री डायमेंशनल एनर्जी और एनर्जी इन थ्री डायमेंशन, ठीक है। सो ये है एनर्जी इन थ्री डायमेंशन। अगर हम यहाँ पे इसको पुट करें इक्वेशन नंबर वन में, पी इज पी वी और पी इज इक्वल टू आर टी बाय वी, और एनर्जी क्या है, ये इक्वेशन नंबर वन है, एनर्जी इज इक्वल टू थ्री बाई टू आर टी, ये इक्वेशन नंबर टू है। सो यहाँ से टू बाई थ्री ई इज इक्वल टू आर टी आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर टू से, और इसको हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो प्रेशर क्या आ जाएगा, टू बाई थ्री ई अपॉन वी। सो यहाँ से एनर्जी प्रेशर इज इक्वल टू टू बाई थ्री एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी है उसका टू थर्ड प्रेशर के इक्वल होता है। सो ये रिलेशन आएगा प्रेशर और एनर्जी का आइडियल गैस के केस में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पी इज इक्वल टू टू बाई थ्री ई। याद रखिए यहाँ पे एनर्जी जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।